हेलो स्टूडेंट्स, जनरली आजकल बच्चे बहुत परेशान हैं इस बात को लेके कि सर मुझे समझ नहीं आता कि मैंने मोटिवेट होके पढ़ाई तो शुरू कर दी है बट कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और जनरली 1 से 2 महीने के बाद हमें देखने को ऐसा मिलता है कि बच्चों के अंदर से एक मोटिवेशन की कमी होती जा रही है। मोटिवेशन इज़ द करेक्ट वर्ड, क्योंकि मोटिवेशन एक स्टार्टिंग के वक्त तो काम आता है बट धीरे धीरे क्या होता है कि उनका एनवायरनमेंट उतना सपोर्टिव नहीं होता और बहुत सी ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो शायद वो आपके पर्सनल गोल्स को ना समझ सकें। तो शुरुआत तो बहुत ही जोश में और बहुत ही अच्छे से हो जाती है, लेकिन जो बीच का समय होता है आफ्टर 2 मंथ्स, अगर आप मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 10 मंथ्स का आपका कोर्स है, तो 2 महीने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि हम क्लासेस रेगुलर नहीं रह पाते, कभी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कभी मोटिवेशनल इश्यूज हो जाते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं ऐसे सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जर्नी में कंटिन्यूसली बने रहें, राइट, और एक मेंटर के साथ बने रहें। जैसे अभी आज ही एक बच्ची आई मेरी क्लास के बाद जस्ट कि सर मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो मैंने उसको समझाया। इसके 2 रीज़न थे जो हमें बात करके समझ में आया। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा आपका लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ योर गोल, तो उसने बोला सर मेरे को SDM बनना है। ठीक है, तो मैंने बोला बेटा आपके जॉब ही आपका गोल है। बोली नहीं सर मुझे स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी करनी है, मुझे अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ गोल्स आए जिसने उसके मोटिवेशन को कम कर दिया। जैसे वो पढ़ रही है तो उसको बीच बीच में लग रहा है कि बहुत अच्छी लैंग्वेज बोले, बहुत अच्छी चीज़ें लिखे, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करे, बट दैट इज़ नॉट द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न जो आप सबके साथ हो रहा हो और आप लोग भी ऐसा सोचते हो कि एक गोल बनाया और आप सोचते हो उस गोल से बाकी सब चीज़ें अचीव कर लें, बहुत सारे जो आप लोग जैसे रील्स में देखते हैं आप उनके जैसे बन जाएं या फेम मिल जाए, नेम मिल जाए। नहीं, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना। जब आपने एक लक्ष्य बनाया है तो आपको उसी का पीछा करना है। जब आपकी जॉब सिक्योर हो जाए, जब आपका सिलेक्शन हो जाए, आप SDM बन जाए जो आपका सपना था, अगले गोल पे हम उसके बाद काम करेंगे। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्लैरिटी ऑफ गोल्स इज़ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, एंड कंसिस्टेंट विथ योर गोल्स। आप कंसिस्टेंट पढ़ाई के साथ इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपके गोल्स कंसिस्टेंट नहीं। तो आप सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा, डेली सुबह उठें, अपने गोल को अपनी कॉपी में एक डायरी, एक पर्सनल डायरी ज़रूर बनाएं और उसमें एक बार ज़रूर लिखें कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है और उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे पढ़ना होगा, मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी जो डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम है और सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम है। तो उस सिलेबस और डिमांड से हमें डेविएट नहीं होना है और बीच बीच में मेंटर्स से, अपने टीचर्स से इन बातों को शेयर करते रहिए। जब भी आपको लगता है आप डाउन हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप टेंशन में रहते हैं या आप अपने आप को निगेटिव फील करते हैं कि नहीं मैं जिस जोश के साथ शुरू किया था अब मेरा जोश उतना नहीं है, वॉट एवर बी द रीज़न, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू एंड यू कैन ऑलवेज कम टू अस, रीच आउट टू अस फॉर योर प्रॉब्लम्स। आई होप ये सेशन, ये वीडियो, मैंने एक नहीं कई बच्चों की प्रॉब्लम्स इसी तरह की होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए बनाया है। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।